स्काई न्यूज़ पंजाब ने इस वेले दी वड्डी खबर दा रुख कर लेने आ जिथे संजय सिंह दी पेशी दे नाल इह वड्डी खबर जुड़ी हुई है। दस दईए कि अज अमृतसर अदालत दे विच संजय सिंह दी पेशी हुई है। संजय सिंह अज अमृतसर अदालत दे विच पेश होए ने ते उत्थे ही बिक्रम सिंह मजीठिया दे देरी दे नाल पहुंचन दे करके इस पेशी नू अगे वधा दिता गया, इस तरीक नू अगे वधा दिता गया ते 16 दिसंबर दा हुण समा निश्चित किया गया ते हुण 16 दिसंबर नू इस दी अगली जिहड़ी है कारवाई की जाएगी, अगली पेशी की जाएगी। ते इस दे विच ही अदालत दे वल्लों हुण इस नू लैके कई सारियां चीज़ां दित्तियां जा सकदियां ने, या तो होर तरीक दित्ती जा सकती है या जिहड़ी अज दी डेट जिहड़ी है मुलतवी की गई है, क्योंकि बिक्रम सिंह मजीठिया जिहड़े ने अज अदालत दे विच इस पेशी नू लैके लेट पहुंचे ने। दस दईए कि इह आखर पूरा मामला की है। संजय सिंह ते मानहानि दा केस दर्ज होया सी, जिस तो बाद अज एक बार फिर उन्हां दी पेशी हुई सी। संजय सिंह दी अज पेशी सीगी जिस दी जानकारी अदालत तो बाहर आंदियां संजय सिंह दे वकील दे वल्लों दित्ती गई कि अज जदों बिक्रम मजीठिया लेट पहुंचे, जिस कारण कोर्ट दे वल्लों यह गल दसी गई कि गल कही गई कि तरीक अगे वधा दित्ती गई है, 16 दिसंबर दी तरीक कर दित्ती गई है, पर उत्थे लेट पहुंचन तो बाद बिक्रम सिंह मजीठिया ने प्रशासन ते होर कई सवाल चके ने ते प्रशासन ते सवाल चकते हुए ते सरकार ते सवाल चकते हुए बिक्रम सिंह मजीठिया दे वल्लों की कहा गया, तुसी इह सुनो। और हर तरीक च मैं एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन पेश हो रहा है, और मैं पिछली बारी भी कहा सी थानू, और अज तो दो तीन चार साल पहला भी कहा कि सच्चे पातशाह की अपार बख्शिश है, लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे, जेड़ा बंदा मैनू अंदर कराउन नू फिरदा सी अज सीधे तिहाड़ जेल तो आया। मैं तो जिथे ओहदे नाल और आया भी शराब घटाले च है, शराब माफिया का जेड़ा बहुत वड्डा हजारा करोड़ का घपला होया, उस घपले तहत सीधे तिहार जेल चो आया, पिंजड़े च बंद होके आया और वापस पिंजड़े च बंद करता, इसलिए ओहदे बारे की कहना। मैं तो उत्ते तरस है मैनू कि चलो ये काम चलता रहूगा, साडा कोर्ट की प्रक्रिया सी, अज तरीक है हुण अगली तरीक फिर लगी है, जे उदों तक ना रहा होया तो फिर पिंजरे च बंद हो के आऊ, होर की स्थिति बड़ी माड़ी हो चुकी है। ASI दी हत्या की गई है, उस तो पहले रणजीत एवेन्यू च फायरिंग हुई है, सीएम साहब इत्थे हुंदे ने, सुखबीर सिंह बादल इत्थे हुंदे ने, प्रताप सिंह बाजवा अमृतसर च हुंदे ने, पर एडियां वड्डियां वारदातां इत्थे होणियां किवें देख रहे हो पंजाबी गवर्नमेंट? देखो एक गल बड़ी स्पष्ट है कि कल घटो घट इतने 5-7 जेड प्लस प्रोटेक्टी इतने सी, और मतलब कि सीएम भी इतने सन, लीडर ऑफ अपोजिशन भी इतने सन, कई पार्टिया के मुखी भी इतने सन, मगर फिर भी तीन चार सवेरे सवेरे मर्डर हो जाते हैं। ये भगवंत मान की कार्य शैली ते आप बड़े वड्डे सवाल ने, जिस मुख्यमंत्री और जिस जेल मिनिस्टर दी प्रधानगी हेठ या ओदी देखरेख हेठ बिशनोई इंटरव्यू दे जे, मन मर्जी दी दे जे, और हाई कोर्ट ओते अज सू मोटो ओते रिट ते हुण उत्थे सू मोटो एक्शन लैण लई हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड समन कीते ने, वह भी क्यों करना पिया? क्योंकि 7 महीने हो गए इनक्वायरी लग्या नूं, उहदा रिजल्ट कुछ नहीं निकला। मैं अज भी वेख रहा सी कि सारी पुलिस दा आ रणजीत एवन्यू च स्क्रीना ला के कहिंदे क्रिकेट मैच की तैयारी कर रही है। शायद पहली बारी होया कि जिहड़े इत्थों दे आला अफसर ने या ता ओ जिस रंग की पग भगवंत मान बनते उस रंग की पग बन के श्री दरबार साहब स्टेज लाउणा ही पसंद करते, मतलब कि ड्यूटी नहीं आपकी संभालते, मगर किसी ना किसी रूप च जिमें मुख्यमंत्री नूं खुश करना होवे ना चमची वाला काम चलता,
और यही नतीजा है कि कल एक सब इंस्पैक्टर भी ASI भी मारता होर कुछ भी हो गया कि पंजाब पुलिस का काम या किसी भी देश तुसी हालात वेखे कि पंजाब पुलिस क्रिकेट मैच विखावे क्रिकेट मैच तो जिन्हें वेख लिया उन्हें वेख ही लेना भाई जां तां क्रिकेट मैच का रिजल्ट पंजाब पुलिस अमृतसर के कोल है इन्होंने कोई उत्ते रिजल्ट बदल देना जो हालात बड़े आ रोज़ इत्थे टारगेट किलिंग एक बहुत वड्डे इंडस्ट्रियलिस्ट नूं प्रॉपर्टी डिवेलपर नूं 10 करोड़ की फरौती का फोन आया होया गोल्डी बराड़ का भगवंत मान उहदा नाम लऊगा कि मैं उहदा नाम लवां मोहाली का वह बड़ा फेमस बिल्डर है और एक बिल्डर नूं नहीं पांच बिल्डरां नूं 10-10 करोड़ के सीधे फोन आ रहे हैं और पुलिस तस्दीक कर रही है कि गोल्डी बराड़ का फोन है उहदा तां तुसीं कुछ कर नहीं पा रहे लॉरेंस बिश्नोई का कुछ कर नहीं पा रहे लॉ एंड ऑर्डर के जो हालात बने है अज भी मैं वेख रहा सी आम आदमी पार्टी का भावें संजय सिंह उस पार्टी नाल संबंधित है रूलिंग पार्टी नाल उन्हूं तां एक तरीके की पिकनिक कराउंदी फिरदी है पुलिस ते लोकां नूं आपदे हाल च छड्डिया ते फिर लॉ एंड ऑर्डर दा बनना की है भगवंत मान दे थल्ले बड़ा स्पष्ट है। हां जी इस तरह तिहाड़ जेल भी आम आदमी पार्टी दे थल्ले है जदों बिश्नोई ने सिद्धू मूसे वाले दा कतल कीता है वो सारी प्लैनिंग अरविंद केजरीवाल की सरकार हेठ जिहड़ी जेल है तिहाड़ जेल उहदे थल्ले होया एग्जीक्यूशन पंजाब की जेल थल्ले होया सो ये हालात बड़े स्पष्ट ने जो पंजाब की जेलों चो जो हालात बने और जो काम चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू वह सारी गल दर्शाउंदा कोई मतलब उत्तों गां तक परां दी गल ही कोई नहीं रह गई अफसोस की गल है जी। आई थिंक मैं मनदीप सिंह सिद्धू साहब का बड़ा सत्कार करता है मगर सराबा साहब के शहीदी दिहाड़े ते नचना वो कितने अपने आप नूं भी सवाल पुछदे होने की सही गल माइनिंग माइनिंग दा जो तुसीं मुद्दा चुक्या है करीबन 200 टिप्पर उत्थे मौजूद सीगे बाबे बकाले ये भी कहा जा रहा है कि नाले दे विच भी वड्डे पत्थर ते हो रही है रावी दरिया दे नेड़े जिहड़ी माइनिंग करौड वास्ते मैं हुण स्पष्ट एलीगेशन लगा रहा रोपड़ की SSP रोपड़ सोनी और हरजोत बैंस रल मिल के बड़ा वड्डा कारोबार माइनिंग का चला रहे हैं इहदा बड़ी जल्द होर एक्सपोजे असी करांगे और इसे तरह तरन तारण च भी जद एक MLA माइनिंग करता फड़िया गया उहदा परिवार फड़िया गया SSP बदलता थाना सारा सस्पेंड करता एक साफ संकेत देता कि जेड़ा अफसर SSP IG कमिश्नर इनलीगल माइनिंग कराऊगा आप दे कारकुना नूं ओ ता जिले च रहूगा दूजा नहीं रह सकता ये स्पष्ट संकेत चले एक पेन ड्राइव तुहाडे वल्लों वीडियो दित्ती गई सी 2 दिन का समा मंगिया गया सीगा समा पूरा हो गया ओ वायरल होएगी वीडियो मंत्री साहब दी सस्पेंस कदों खत्म कर रहे हो इस तरह जी भगवंत मान नूं तां वीडियो दे नहीं सकदे ओदी आप दी वीडियो दी चर्चा शुरू हो गई है मैं वेख रहा हां ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਊਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਚੱਲ ਚਰਿੱਤਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਸ ਰੱਖੂੰਗਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਸਟੇਟਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੋ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੱਸੋ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 16 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਹੁਣ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਹਜੇ ਮਾਮਲਾ ਥੰਮਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।